को, मैं सोनाली। जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग की हम जितने कॉज या इफेक्ट की बात करें उतना कम है, लेकिन एज ए यूथ यहाँ पे जैसे कि युवा नेतृत्व की बात चल रही है, एज ए यूथ हमें क्या करना चाहिए? तो मैं कुछ आपसे साझा करना चाहूँगी। जैसे कि स्वतंत्रता संग्राम में हमारी भागीदारी नहीं हो सकी। हमारा टॉपिक क्या है? स्वतंत्रता संग्राम में हमें भागीदारी देने की सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ था, लेकिन आज समय आ गया है अपनी शक्ति को पहचान कर इस प्रज्वलित अग्नि में अपनी आहुति देने की, क्योंकि हमारे प्रेरणा स्वामी विवेकानंद जी कहा करते थे, अगर मुझे 100 ऊर्जावान युवा मिल जाए तो मैं इस देश की दशा और दिशा दोनों बदल कर रखूंगा। ऐसे में तो हम 60 करोड़ हैं, हमारे लिए क्या कठिन? अब आवश्यकता है अपनी शक्ति को पहचान कर इस ग्लोबल वार्मिंग के इस कॉज इफेक्ट में अपनी भागीदारी निभाने की। हम थोड़ी थोड़ी चेंजेस करके इस ग्लोबल वार्मिंग की जो प्रॉब्लम है इसको सॉल्व कर सकते हैं। हमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, हमें लोगों को इसके इफेक्ट के बारे में जागरूक करना है, क्योंकि अभी भी कई लोग हैं जिसे इसके इफेक्ट के बारे में नहीं पता है। गुड आफ्टरनून एवरीवन, दिस इज मनीषा मातो। सबसे पहले मैं ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज, ये तो वर्ड ये इंटरचेंजेबली हम लोग यूज करते हैं, तो बस मैं इसका डिफरेंस आपको बताना चाहूंगी कि जैसे कि अगर हम लोग इस अर्थ को एक रूम की तरीके एक रूम माने और उसमें लाइक एक हाउस माने, उसमें अलग अलग रूम्स होते हैं, तो अगर सारे रूम्स का टेम्परेचर एक ही साथ बढ़ता है उसे हम लोग ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। दैट इज द ओवरऑल इंक्रीज इन द अर्थ एवरेज सरफेस टेम्परेचर। पर अगर जैसे कि एक रूम में गर्मी पड़ी है, दूसरे में ठंडी है, तीसरे में बारिश हो रही है, मतलब अलग 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 रूम में अलग अलग चीज़ें हो रही है, ठीक है, तो उसे क्लाइमेट चेंज बोलते हैं। तो ये ग्लोबल वार्मिंग होता क्यों है? तो मेन रीजन इसका ग्रीन हाउस इफेक्ट है। जैसे कि जो सोलर रेडिएशन आता है सन से, तो कुछ चीज़ अर्थ में रहता है ना आधा, बाकी वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है। तो क्या होता है कि जो ग्रीन हाउस गैस के एमिशन्स हो रहा है, पर्टिकुलरली कार्बन डाइऑक्साइड या क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये एक प्लैनेट बनाए हैं एटमोसफियर में, तो ये जो लाइक जो हीट वापस जा रहा है रिफ्लेक्ट होके उसको कैप्चर कर रहे हैं, उसको बाहर नहीं जाने दे रहे, इससे जो लाइक वार्मिंग हो रही है उसको ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। तो जो मेन कॉज है, मैं मेन कॉज ही बताऊंगी, वो एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस है। तो फिर ये ग्रीन हाउस गैसेस आया कहाँ से? तो जो मेन जो इवेंट है हिस्ट्री में जो लाइक इसके पीछे मेन रीजन है, तो एक जो 1750s है जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था, जब जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स का यूसेज बढ़ा, चाहे वो कोल या पेट्रोलियम हो, और दूसरा 1950s जब नंबर ऑफ व्हीकल्स इंक्रीज हुए। एंड देन बस मैं इसके बाद कॉन्साइज रखना चाहूँगी कॉज को। देन इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं? सबसे पहला तो जो मेल्टिंग ऑफ आइस मेल्ट होने से क्या होता है कि ओशन का लेवल इंक्रीज हो रहा है, जिससे कि जो कोस्टल एरियाज है वो सबमर्ज हो जा रहे हैं, और जिससे लोगों का माइग्रेशन हो रहा है बहुत ही जोरों से। इसलिए मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देना चाहूँगी कि इंडोनेशिया का जो कैपिटल है जकार्ता, वो बहुत ही जल्दी सबमर्ज होने वाला है, इसलिए उन लोगों ने उसे शिफ्ट करने का सोचा है टू बोर्नियो। एंड इससे बहुत सारे अलग अलग एक्सट्रीम क्लाइमेट इवेंट्स भी हो रहे, चाहे वो साइक्लोन हो या लाइक ड्रॉट्स या फ्लैश फ्लड्स, ये सब इसके वजह से हम देखने को मिल रहे हैं। तो इसका वे फॉरवर्ड क्या है? तो एक तो है अफॉरेस्टेशन, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना है, और दूसरा है इंटरनेशनल कोलैबोरेशन, क्योंकि ये हमारा पर्सनल इशू नहीं है या फिर ये हमारे इंटरनल सिक्योरिटी का मैटर नहीं है कि सिर्फ लाइक हम ही इस पर काम करें, ये पूरा एक क्रॉस बॉर्डर इशू है या फिर ये वर्ल्ड सिक्योरिटी का इशू है, तो हम लोग को साथ में काम करना पड़ेगा। एंड देन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हम लोग यूज कर सकते हैं। एंड वैसे और मैं लास्ट में बोलना चाहूंगी कि लाइक इट्स स्टिल टाइम टू एक्ट बिफोर इट्स टू लेट, बिकॉज क्या हो रहा है कि इट्स द एज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड ह्यूमन कोल्डनेस, क्योंकि हम लोग अभी भी इस पे स्टेप नहीं ले रहे हैं। हम लोग जैसे कि हमने प्लास्टिक बॉटल खरीदा बाहर से, तो बस हम उसे फेंक देते हैं ये सोच के कि हम ही तो फेंक रहे हैं, लेकिन हमने ये सोचा कि हम बात सोच रहे हैं अगर 8 बिलियन लोग पूरे वर्ल्ड कैसे सोचे तो क्या होगा। तो और लास्ट में एक सेंटेंस में बोलना चाहूंगी कि
When we destroy the things created by human, it is called vandalism. When we destroy the things created by human, it is called vandalism. But when we destroy the things created by nature, it is called progress. So, our name is telling that there is no planet B, so we must protect it. Thank you. Thank you. Mike will be passed to the next member. Good afternoon, everyone. This is Anjana Kumari. IPCC session 1988 में एक रिपोर्ट आई थी कि मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WHO यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम ये दोनों क्यों नहीं साथ मिलकर एक साथ काम करती है ग्लोबल वार्मिंग को बचाने के लिए. फिर IPCC सेशन IPCC में पब्लिश हुई 2021 में एक रिपोर्ट जिसमें ये बताया गया कि आज का ग्लोबल वार्मिंग किस तरह से इफेक्ट कर रहा है हमारे कल्चर को हमारे सोसाइटी को. अगर हम कहीं जाते हैं तो क्यों ना हम अपने घर से एक चाय पैक या फिर कुछ भी घर से बना पैक हम लेके जाए. हम हमेशा इस चीज पे क्यों डिपेंड रहते हैं. हम बाहर जाए तो वहां से कुछ अगर हम सामान खरीदेंगे तो हम उसे बैग ले लेंगे. हम क्यों ना उस चीज को बचा कर अपने घर से कुछ कैरी बैग लेके जाए जिससे कि हम ग्लोबल वार्मिंग को बचा सके. अभी क्या हो रहा है कि बहुत सारे ऐसे ग्लेशियर्स हैं जिनका जो बहुत तेजी से पिघलते हुए जा रहे हैं. इसका इफेक्ट सीधे हम लोग की लाइफ पे पड़ता है. अगर ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं तो पानी की समुद्र में जल की मात्रा बढ़ती हुई जा रही है जिसका इफेक्ट अगर कहीं पे सुनामी आती है तो सिर्फ सुनामी इतनी तेजी से आती है कि जिसको हम पता भी नहीं चलता है कि वो कब आ गई और कब अपने साथ सब कुछ बहा कर लेके चले गए. केदारनाथ में जब सुनामी आई थी तो हम लोग को किसी को नहीं पता था कि कब वो ऐसी सुनामी आएगी या फिर किसी को कहीं से भी रिपोर्ट नहीं था. इनका नासा का रिपोर्ट था ना इसरो को किसी को कोई रिपोर्ट नहीं था. वो सुनामी आए और अपने साथ बहुत कुछ बहा कर ले गए. कितनों की जिंदगी बहा कर ले गए. सब कुछ वो बहा कर वो अपने साथ ले गई थी. We'll move forward to our guest. मैं सबसे पहले बच्चों को तो धन्यवाद देते हुए ये बताना चाहती हूँ कि हम लोग यहाँ थ्योरी पढ़ने नहीं आए. सारी चीजें किताबों में दी हुई है या आप सोशल मीडिया के माध्यम कई जगह से हमको ज्ञान मिल रहा है. उस ज्ञान को कैसे समाहित करना है अपने अंदर ये चर्चा करने के लिए हम लोग इस एलुमनाई मीट में यहाँ आए. क्योंकि आप आगे जो आने वाले समय है उसके भावी पीढ़ी आप सभी हैं और आपको उन समस्याओं से जूझना. हमने जितना जूझा है उससे हमको लगता है कि 100 गुना ज्यादा आपको परेशानी आने वाली है. तो हम उस पर चर्चा करें और ये चर्चाएं सकारात्मक तभी होगी. सभी ने जाना क्लाइमेट क्या है ग्लोबल वार्मिंग क्या है और आप समझ रहे हैं एकदम संक्षिप्त में है कि पृथ्वी के जो वातावरण है इसके समग्र तापमान जो है टेम्परेचर में लगातार जो इंप्रूवमेंट हो रहा वही ग्लोबल वार्मिंग. अब इसके ऊपर हम लोग जो काम करेंगे कि हम इससे क्या बचे किन किन आदतों को छोड़े कैसे इसको हम लोग कंट्रोल करें जिससे हमारा आने वाला जो लाइफ स्टाइल है हम लोग जो जिंदगी जी रहे हैं उसमें समस्याएं कम से कम हो. समस्याएं तो होंगी लेकिन कम से कम. ये चर्चा है जो सामने बैठी हुई जितनी भी एलुमनाई की है वो लोग सबको बोलना है यहाँ जो पैनलिस्ट है उनको भी बताना है. तो अगर हम अपनी कई आदतों को त्याग करें जैसे कम से कम छोटी छोटी चीजें एसी को चलाना उसमें हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को सेव करें जिन जिन की समस्या आने वाली है जैसे पानी की समस्या है या फिर हम लोग देख रहे हैं कि टेम्परेचर इतना ज्यादा होते जा रहा है तो हम उसको कैसे कैसे रोक सके अपनी जिंदगी में. पहले तो आप अपने आप को कंट्रोल कीजिए फिर अपने साथ साथ अपने परिवार को कीजिए. परिवार के हर व्यक्ति को जगाइए कि बहुत भयावह दृश्य दिख रहा है तो इससे हम लोग निवारण की तरफ ध्यान दें और उनकी बातों को उन सब चीजों को जैसे अभी कुछ दिन ही पहले लोग कहने लगे कि
बैंगलोर में कभी भी एसी नहीं लगाया जाता था, लेकिन वहां भी लोग लगवाने लगे। उत्तराखंड से एक लेडीज आई थी, उन्होंने कहा कि मैम हमारे यहाँ भी एसी लगने लगा। तो ये जो चीजें हैं, ये छोटी छोटी, मतलब जैसे लोग कहते हैं कि पेड़ कट गया, पेड़ क्यों कट गया, एक लोग पांच पांच फ्लैट को रखे हुए हैं, तो जहां कंट्रोल करने की चीजें हैं, एक घर में दो व्यक्ति हैं चार रूम है, तो वो क्या प्लेइंग रूम बना के रखे हैं, दौड़ेंगे, घर में स्पोर्ट्स है उस पर कंट्रोल किया जाए, ऐसी कुछ व्यवस्थाएं बनाई जाए कि जितनी जरूरत है आपको उतनी ही चीजें, एक घरों में पांच गाड़ियां हैं, फिर बोलिएगा पॉल्यूशन को कंट्रोल करने, तो इन सब चीजों को कैसे हम लोग कंट्रोल करें, हम जो यूथ यहाँ बैठे हुए हैं इनको कैसे जलाएं, इनकी आंखें कैसे खोलें, क्योंकि हम लोग अब दिखावा के तरफ जा रहे हैं, हम लोग ये अपना बहुत स्टेटस सिंबल मानते हैं कि मेरे घर में पांच गाड़ी है, मेरे घर में आठ एसी लगा हुआ है, इवन हम तो सर्वेंट को भी एसी दिए हुए हैं रूम में, तो ये सब चीजें जो है मिथ्या में जीने की आदतें जो हम लोग जी रहे हैं ना, उस जीवन को कैसे हम सभी मिलकर, और आप तो यहाँ से जाएंगी अपने आसपास के कम से कम 10 लोगों को भी जलाएंगे। इस सेशन का यहाँ जो आज मीट हुआ है, ये मीट सिर्फ आपके अंदर रखने के लिए नहीं हुआ, यहाँ जो बच्चे आए हैं, जो आपको लीडरशिप क्वालिटी डेवलप कराई जा रही है नेचर फाउंडेशन और ब्लू फाउंडेशन नेचर से, और ब्लू इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला आप लोगों को समझने का और समझाने का, सिर्फ आप समझ के रख लीजिएगा कुछ नहीं होगा, फिर हम लोग इसी तरह से बातें करते रहेंगे और घर बैठ के हम लोग बस सुनेंगे, टीवी देखेंगे, बढ़ रहा घट रहा, सुनामी आ रहा और एक तूफान आ रहा और एक आ रहा, और हम लोग यही सोचते रहेंगे कि जो लोग गए और गए, हमारे अंदर ये भी भावना हो रही है जो गए वो चले, हो सकता है कि उसमें हमारा भी नंबर हो जाए, तो ये जो सोच है इसको हम लोग कल कैसे बदले, इस मीट डिस्कशन का मेन मकसद यही होना चाहिए। और आप अगर बड़ी टीम बनाना चाहती हैं तो आप टीम बनाइए, इस पे काम कीजिए, क्योंकि आप यूथ हैं, आपके पास एज है तजुर्बा देने के, ऐसे लोग बैठे हुए हैं एनालिस्ट और आपके जो भी मार्गदर्शक हैं, लेकिन आपको कैसे काम करना है, सिर्फ आना और जाना ये रास्ता नहीं होना चाहिए मेरे विचार से। मैं अमित जी को अपने बातों के लिए आगे फिर देती हूँ। मैंने एक बात कही कि बहुत बुरा समय आने वाला है, ध्यावा समय आने वाला है, ध्यावा समय नहीं है, उससे बुरा होगा, हम सड़क पर तड़पेंगे, ये समय आने वाला है। अभी इस बार की गर्मी में कई लोग मरे हैं सिर्फ टेम्परेचर बढ़ने की वजह से, तो उससे बुरा समय आना है, और वो समय सिर्फ इसलिए आ रहा है कि मानव के अंदर जो भूख बढ़ी है प्रॉपर्टी की, पैसे की, विरासत की, वो भूख वो समय ला रहा है। इंसान को ऐसा लगता है कि पूरे पृथ्वी पर सिर्फ वही है और पूरे पृथ्वी पर सिर्फ उसका ही कब्जा होना चाहिए, और पूरा पृथ्वी जो बना है वो सिर्फ मानव के लिए बना है, और यही भूल इस पृथ्वी को भी नष्ट कर रहा है, आपको हमको भी नष्ट करेगा। हम छोटा सा उदाहरण देते हैं, जंगल लगाया नहीं जाता है, कोई व्यक्ति कहता है हम जंगल लगाए हैं तो वो उसका कंफ्यूजन, जंगल लगाया नहीं जाता है, पंछियां जो होते हैं, जो चिड़िया होती है, और कई चीज तरीके के जो लोग जो जीव जंतु होते हैं, वो छोटा छोटा बीज उठाकर बड़ी आबादी में किसी और खाली इलाके में गिरा देते हैं, जाके और अपने चोंच पे ले जाते हैं, जिस तरीके से जाते हैं, बारिश होती है वो पेड़ बनता, वो जंगल लगता है, पंछी खत्म हो गए हैं, उनको हम मानते नहीं कि वो पृथ्वी का हिस्सा है। हमने कभी सोचा ही नहीं कि हम अगर जंगल काट रहे हैं तो वहां कितने छोटे छोटे जीव जंतु मर गए, हमको अफसोस ही नहीं हुआ, क्योंकि हमको ये लगता है, हम मानव है इसलिए कह रहे हैं, हमको ये लगता है कि पृथ्वी मेरे बाप की, और यहाँ कोई नहीं, यहाँ सांप है, हाथी है, इतने तमाम लोग हैं, सांप मर गया सारे सांप खत्म हो जाए, दिखता ही नहीं है आजकल कोई सांप, वो गर्दन में लटका कोई आदमी आता है डब्बा में पैक करके देख के खुश हो जाता है, वाह 10 रुपए के खत्म हो गए, लेकिन कभी किसी को चिंता नहीं थी, जो सांप घर के बाहर निकलते ही दिख जाता था वो अब नहीं है, और उसके ना होने से पर्यावरण को कितना नुकसान हो रहा है वो किसी। अभी हम ताजा उदाहरण देते हैं, 2.5 लाख पेड़ कट गए हर जिले में, कट ही रहेगा, किसी ने चू तक नहीं की, क्या फर्क पड़ता है, छत्तीसगढ़ में कट रहा, एकदम डेवलपमेंट की आवश्यकता है, लेकिन मानव सभ्यता को समाप्त करके
अगर विकास का पैमाना तय किया जा रहा है तो वो तो ऐसे ही टपेंगे। और हम बता देते हैं विदिन 50-70 साल में ये मानव सभ्यता समाप्त हो जाएगी। और मेरा प्रेडिक्शन नहीं है, ब्लू इमाम है, बड़े पैराशूटिस्ट हैं, उनको ये भी मिला है, पद्मश्री मिला है, वो उनका प्रेडिक्शन है विदिन 50 ईयर ये पूरी पृथ्वी समाप्त हो जाएगी। जिस तेजी से हम बढ़ रहे हैं, हमको भूख हो गया है, आधा घंटा बिजली कटता है रांची के अंदर, ट्विटर पे, फेसबुक पे सरकार को गाली मोर्चा कर देते हैं खाली, तो सरकार को तो कोयला चाहिए ना। हम दोषी हैं, सरकार दोषी नहीं है। हम ठीक है, हम आंदोलन करते हैं, धरना देते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन हम दोषी हैं। हमको 10 मिनट का गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रहा, हम परेशान हो जाए। आधा घंटा फोन स्विच ऑफ हो जाता है तो प्राण निकलने लगता है, का हो गया है। फेसबुक एक दिन वो कुछ घंटे के लिए वो नहीं क्रैश हो गया था तो आदमी टेंशन हो गया। हम लोग व्हाट्सएप पे जाके लिख रहे हैं भाई कैसे होगा, भाई मेरा इससे हो गया। ट्विटर पे लिख रहे हैं भाई जिंदा नहीं बचे, सांस अटक गई। तो कैसे हम ये डिस्कशन का, हम तो सबसे पहले हम मतलब ये पहला डिस्कशन नहीं है पूरे विश्व के अंदर। हमको लगता है कि हर दिन 100 से ज्यादा डिस्कशन है पर्यावरण बचाने के लिए, लेकिन उतना ही ज्यादा बुरा हाल होता गया। और आप तो खुद से भी धोखा है पर्यावरण बचाने की बात करना और दुनिया से भी धोखा है। हम डिस्कशन करें, बहस करें, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ धोखा है, कुछ नहीं हो सकता। अब तो कुछ नहीं हो सकता, कोई सॉल्यूशन नहीं। यस देयर इज अ सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं। यस वी हैव सॉल्यूशन, हां बताइए। एंड कमेंडेटरी कर दिया है वाटर हार्वेस्टिंग के लिए, अगर आपका नहीं होगा, अगर आपका नहीं होगा तो आपको इंस्टीट्यूट अलाउ नहीं करेंगे। मैं जब गुजरात गया था तो एक बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट देखा कि घर के अगर आपका आगे एक प्लांट देंगे तभी वो आपका नक्शा पास होगा, अन्यथा नहीं होगा। उसके बाद क्या वाटर हार्वेस्टिंग है, क्या हमारे झारखंड में है, क्या और जगह स्टेट में है? हम बोलते हैं जरूर कि हमको करना चाहिए, जैसे अब यहाँ बैठे हैं जमशेदपुर में, अगर डेवलपमेंट चाहिए, जैसे अब एक बच्ची बोले जैसे इम्प्लॉयमेंट कहाँ से आएगा, तो इम्प्लॉयमेंट के लिए वो पेड़ भी काटता है लगाता भी, क्या हर इंडस्ट्री ये करता है? क्या हर इंडस्ट्री करता है? क्यों उसको पास किया जाता है सर, क्यों उसको पास किया जाता है? मेरा ये कहना है जैसे हम अपने कॉलेज को नहीं पास करते, आरओ फिल्टरेशन करके उसी पानी को फिर लाना आना, ये उसको मैंडेटरी है। जैसे अभी हमारा भी घर है, हम भी जमशेदपुर में रहते हैं, नोबडी केयर्स, आप सही बोल रहे हैं, नोबडी केयर्स अबाउट दिस। मैं भी 5 गाड़ी रखता हूँ, मैं भी 3 गाड़ी रखता हूँ, मेरे भी 5 बंगलो है, तो सही है, स्टेटस सिंबल है, नहीं होगा तो आप मुझे यहाँ नहीं बैठाएंगे, सही बात है, आप मुझे यहाँ नहीं बैठाएंगे। ये एक परंपरा चली आ रही है, आप इसको मानो या ना मानो, आपकी बात बहुत अच्छी लगी। और चूंकि आप पत्रकारिता से हैं तो मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ कि आपकी वाणी और आपकी बात पूरी दुनिया सुनेगी आपके इस जगह से। मैं तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस तरह का माहौल बनाए कि जितने भी घर उसके आगे गाछ लगे, है ना। और अगर नहीं हो सकता है सर, अगर मान लीजिए आपका फ्लैट्स है तो ऊपर में बॉन्साई गाछ लगा दे, उसको मैंडेटरी करा दें, ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए मैंडेटरी करा दें, कम से कम आपको 5 डिग्री सेंटीग्रेड आपका कम हो जाएगा। वाटर हार्वेस्टिंग करा दें, वाटर हार्वेस्टिंग किसी भी जगह नहीं है, आप खाली नाम के लिए इसको ड्रेनेज में डाल दिया जाता है 10 साल, लेकिन वाटर हार्वेस्टिंग पर छोटा सा चीज है, बट नोबडी केयर्स। कौन लगाएगा यार 5,000 का सामान, कौन लगाएगा, वो डियर 2,000 रुपया म्यूनिसिपल वाला को दे देंगे, खत्म हो जाएगा। जो ये आप कर सकते हैं सर, आप लोगों का एक फोर्थ स्तंभ है, वो आप लोग कर सकते हैं। हम लोग सिर्फ बोल सकते हैं, हम लोग समझा सकते हैं, लेकिन काम और उसको उजागर करने का काम आपका है। और मैं आप लोगों पर बहुत भरोसा करता हूं, क्योंकि मैंने देखा है विगत 10 सालों से जो आपका स्तंभ है, जो आपकी एक फोर्थ पिलर जिसको बोला जा रहा, यूं ही नहीं बोला जा रहा, अच्छे आदमी को डरा देते हैं, अच्छे आदमी को गिरा देते हैं, और अच्छा रेवोल्यूशन लाने के लिए आपकी जो स्पीच मैं सुन रहा हूं, बहुत ही अच्छा स्पीच है। मैं चाहूंगा इस तरह के प्रोजेक्ट को आप लोग इस तरह मतलब इंप्लीमेंट करने के लिए। कितने इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जिसको रजिस्टर्ड कराया जो फेल है, मतलब हमारे यहाँ ग्लोबल उदाहरण सर, सर हमारे यहाँ तो अगर आप पोर्टिकल प्लांट नहीं देते हैं तो आपको फिर भी सारे सारे नहीं नहीं, नहीं, नहीं आपके झारखंड में 126 इंस्टीट्यूट खुले, उसका 20 का रेट कितना होता है आप देख लीजिए, मेरे पास 2,50,000 पेड़ अकेले है प्लांट, यानी प्लांट मतलब वो बड़ी झाड़ कह रहे हैं कि 2,50,000 पेड़ अकेले हर दिन, क्या उस 2,50,000 पेड़ को आप 2 साल में कंप्लीट कर पाएंगे?
नहीं आप मेरी इतना देर हो चुका है मेरा ये कहना है हम एज ए जर्नलिस्ट हम अपने दर्शक को संभावनाओं के आधार पर जिंदा नहीं कर सिर्फ और सिर्फ एक राइट में करते हैं और क्या उसका भरपाई कितना पेड़ लगा कर आप करेंगे। दूसरा बात अभी एनएच बनाना जमशेदपुर टू रांची एनएच बड़ा आप जमशेदपुर टू रांची जब एनएच नहीं बना था तब कितने पेड़ थे और अब कितने पेड़ हैं और उसका पेड़ का जो भरपाई वो कहां जाकर लगा है और किसी ने एक शब्द बोला कि भाई एनएच कट गया आज भी एनएच जो बन रहा है कारण धनबाद हर दिन हजारों पेड़ कट रहे हैं लेकिन कोई मतलब नहीं एक शब्द को पूछने वाला नहीं कि कट नियम देखिए नियम है नियमता यह है कि जितने पेड़ कटेंगे उसके ज्यादा पेड़ लगाना है। तो इसका बुलेट कौन करेगा हु विल यू बुलेट आइदर जनरल पब्लिक और गवर्नमेंट और यू पीपल वो पीपल आर द फोर्थ स्टेप पब्लिक अगर इस बात पब्लिक में अगर 5000 पेड़ कटा है वो कहां लग रहा है अगर ये सवाल हम आप करते तो गवर्नमेंट को प्रेशर बनता हमने किया ही उनको मतलब ही नहीं था रोड बन रहा है जा रहा है रोड से पहुंच जा क्या फर्क पड़ता है हमने तो पूछे ही नहीं आम लोगों तक पहुंचाएगा कौन जर्नलिस्ट ना हम लोग तो पहुंचाते ही हैं हम लोग पहुंचाते हैं तभी हमारे मन नक्सल कहलाते हैं हम इसी सवाल को पहुंचाते हैं। सर आपसे मैंने यही बोला कि क्या आप हमको या गवर्नमेंट को बता सकते हैं कि आप अपने कभी भी घर बनाओ एक प्लांट लगा सकते हैं एक प्लांट लगाने का आपका कंपलसरी हम कह रहे हैं कि एक आपने किया सर देखिए 100 साल पुराने जंगल को आप काट कर कल पर से प्लांट लगाए क्या वो उतना दे पाएगा आप वो छोड़ हम वो कह रहे हैं आप आज एक पेड़ लगाएंगे 10 साल बाद वो आपको उतना ऑक्सीजन देगा जितना आपको जरूरत है और आपने 200-500 पेड़ खत्म कर दिया कोई मतलब नहीं है अभी जिम्मेदारी लेने से क्या होगी आपकी आवाज तेज है मेरी आवाज इसलिए आवाज तेज है ना इसलिए आवाज तेज है मेरा घर गिर गया था जंगल में मेरा घर हुआ करता था इसलिए आवाज तेज क्या हम लोग आगे कर सकते हैं कोई संभावना नहीं हम फिर से कह रहे हैं किसी प्रकार की संभावनाएं नहीं है आज नहीं तो कल बहुत बुरा दौर आने वाला है दो चार पेड़ से कुछ नहीं होगा कोई सोल्यूशन नहीं दिया हम इतने मनुष्य इतना महत्वाकांक्षी हो गया है जमीन तो जो छोड़ दीजिए आपके हमारा भूख नहीं खत्म हो रहा भैया हमारा भूख नहीं खत्म हो रहा आपको बिजली चाहिए चाहिए उसके लिए कोयला निकालना पड़ेगा और कोयला निकालने के लिए जंगल बर्बाद करना ही पड़ेगा हमको यहाँ से दुबई की सड़क 2 घंटे में पहुंचनी है जो दुबई आप 24 घंटे में पहुंचे उसको 2 घंटे में पहुंचनी है तो समंदर के अंदर सड़क बनानी पड़ेगी और मछलियों को मारना पड़ेगा तो हम मरेंगे ये तय आप संभावनाओं पर किसी को रखना नहीं चाहते जिसको भी लगता है कि हम आपकी भावनाओं को बहुत प्यार से रखेंगे बोलेंगे बहुत लंबा जिंदा रहेंगे ये हम नहीं कर सकते हम वही दिखाएंगे जो होगा एकदम हम नेता का झूठ बोलने नहीं थी I guess the deliberation is really orienting into something really significant. Sir ने जो mention किया that somewhere resonate with the idea of climate apartheid. Climate apartheid का concept ये है कि जो prominently underdeveloped nations हैं या developing nations हैं like ours, we face enough more international discrimination and there is a difference in our process of generating क्योंकि we don't get funds क्योंकि लोग यहाँ पे एक और चीज़ है आपसे बहुत दिन में अनुरोध है मेरे अंग्रेजी बहुत खराब है हम तब से भैया उस बात को बोल रहे हैं कि हमको कुछ से समझ में नहीं आता लोग यहाँ जंगल लगाने की बात कर रहे हैं पेड़ लगाने की बात कर रहे हैं पर पेड़ लगाना जंगल लगाना इन इटसेल्फ उसके लिए रिसोर्सेज चाहिए जगह चाहिए जमीन चाहिए सब कुछ चाहिए सर ने बात करते पेड़ लगाया जा सकता है जंगल लगाया नहीं जाता है जंगल प्रकृति ने बनाया है जंगल नहीं लगाया जाता है पेड़ लगाया जा सकता है सर ने एक बहुत अहम बात करी जब वो हसदेव की बात कर रहे थे कि हमको डिनोट करके वो कह रहे थे कि हम एसी में रहते हैं तो यहाँ पे एक बहुत अहम पहलू आ जाता है रिप्रेजेंटेशन हमसे ये क्या रिप्रेजेंट जिसके अंदर पानी की ललक पड़ी है जिसके अंदर कब्जा करने की ललक पड़ी है फिर से कह रहे हैं हम तमाम लोगों ने ये सोच लिया कि पृथ्वी सिर्फ मानव की है और गलती वही से शुरू होगी ये पृथ्वी में जितना अधिकार मेरा था उतना उस हाथी का भी था उस सांप का भी था उस मछली का भी था हमने ये माना ही नहीं उसकी चिंता हम लोगों को ज्यादा करने की जरूरत फिर बहस बेकार है अगर कभी नहीं फिर
बचाने का प्रयास किया। इतने सारे जो अभी नेचुरल कैलामिटीज आते हैं ना, वो आपके पॉपुलेशन को बैलेंस करने के लिए ही आते हैं। अदरवाइज वो फिर वो सर्वाइवर तो संभव नहीं है, ये सब समझ रहे हैं। यहाँ बैठ के हम ताली बजाएंगे, बात भी समझेंगे, लेकिन घर जाके करेंगे वही काम, तो उससे तो नहीं होना है ना। हर एक आदमी को अपने जगह पे समझना है और उसको इम्प्लीमेंट भी करना है। मतलब जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बताना चाह रही हूँ। इसका सिर्फ प्रभाव मनुष्य पर भी नहीं पड़ता, जब इसके जानवरों पर भी पड़ता है, पशु पंछियों पर भी पड़ रहा है। जैसे कि पलामू के एक गांव में देखा गया कि वहाँ 40 बंदरों ने कुएं में जाकर जान दे दी। पानी पीने गए वो गिर गए, नहीं नहीं पानी पीने गए, उनको प्यास लगी थी, कुए में कूद गए पानी पीने के लिए, फिर निकल नहीं पाए, मर गए। तो इसका प्रभाव सिर्फ मनुष्य पर नहीं है, जानवरों पर भी पड़ता है। इसका प्रभाव सिर्फ जानवरों पर नहीं, तो मनुष्यों पर नहीं, सब पर है, लेकिन इस प्रभाव का कारण सिर्फ मनुष्य है, पड़ा है, लेकिन बर्बाद सिर्फ हमने किया, और इसका दोषी कोई नहीं हो सकता। हाथी आ गए कि हमें शाम में निकलना मुश्किल हो जाता है, हम कहते हैं कि हाथी क्यों हमारे, हम जहाँ रह रहे वहाँ क्यों आ रहे, तो वो वहाँ क्यों नहीं आएंगे, जब हम उनका घर उजाड़ेंगे तो वो तो यहाँ आएंगे ही। हाँ, हम जहाँ है हाथी वहाँ नहीं आएंगे। एक बात हाथी के लिए स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, हाथी अपना दिशा नहीं बदलते, हमने हाथी के रास्ते पर अपना घर बना दिया, तो वो आएंगे। अभी ये कॉरिडोर जो बना है तो वो तो जाएंगे इधर उधर, इसीलिए तो हम लोग मोमेंटम से हरकत कर रहे हैं, हाथी उड़ा रहे हैं, उड़ो चले जाए नीचे आने के होते हैं। ड्रामा है, कॉरिडोर भी ढंग से नहीं बना है सर। आपने कुछ स्टेप उठाया आते वक्त, हम तो भैया के साथ हैं। नहीं नहीं, आज क्या चीज है, क्या चीज है, क्या चीज है, हम गाड़ी से हैं। कौन सी गाड़ी भैया? सफारी, सफारी में ऐसी चल रही है, एकदम चल रही है। क्यों नहीं, हम अकेले ग्लोबल वार्मिंग के बारे में हम फिर से कह रहे हैं, आप बंद क्यों नहीं? नहीं नहीं, आप बताया ना, आप बंद क्यों नहीं? हम फिर से कह रहे हैं, हम यहाँ भी बैठे हैं, हम इसे बंद करा सकते हैं क्या? एकदम बंद करा। मेरे साथ सात लोग थे, उस सातों की जिम्मेदारी को ठीक है आपकी, आप मेरे मामा और चलिए मेरे कर रहे हैं, वो अपने मामा के नाम रखते हैं, पहल किसी न किसी को करना नहीं होगा, कुछ भी कर लीजिए, कुछ करेगा तभी कार्रवाई नहीं बनता है। Thank you.